बच्चों लोग, इस क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि फाइंड द टोटल नंबर ऑफ चार्ज नेगेटिव ऑन टेट्रापेप्टाइड, और टेट्रापेप्टाइड कहाँ पे सीक्वेंस का लिंकेज दिया हुआ है। तो पहला जो अमीनो एसिड है ग्लाइसिन है, सेकंड ग्लूटामिक एसिड है, थर्ड क्या है स्पार्टिक एसिड है, एंड फोर्थ क्या है टायरोसाइन है। ठीक है, तो फोर्थ क्या है टायरोसिन है। तो ये सारा आपके पास अमीनो एसिड का लिस्ट है जो उसमें इन्वॉल्व होने वाला है। जानेंगे जो भी अमीनो एसिड इन पॉइंट पे होता है, तो इन पॉइंट पे जो अमीनो एसिड होता है उसका, तो यहाँ पे ग्लाइसिन एक इन पॉइंट पे है, एक टायरोसिन है। इसका मतलब आपके टेट्रापेप्टाइड फॉर्मेशन में एक का सी एसिड चला जाएगा तो दूसरे का एनएच चला जाएगा। ठीक है, तो किसी का भी मान सकते हैं, मान लेते हैं ग्लाइसिन का सी हो गया है तो इसका NH2 लेफ्ट साइड बचा हो रहेगा, और अगर मान लेते हैं टायरोसिन का अगर एन एन गया है तो इसका जो COH सिस्टम होगा वो इस पॉइंट पे होगा। तो मान लेते हैं ग्लाइसिन है और ये टायरोसिन है। ठीक है, तो यहाँ से अब टायरोसिन में ना आपके पास क्या होता है, फिनोल सिस्टम होता है। तो वह मैं आपको दिखा दिया, बाकी जो भी अमीनो एसिड बीच में आएगा उसका NH2 और COH दोनों चला जाएगा। इन जो भी अमीनो एसिड बीच में आने वाला है उसका जो एसिड ग्रुप है उसका OH हट चुका होगा, और जो NH2 ग्रुप है उसका H हट चुका होगा। ठीक है, तो यहाँ से आप H निकाल देंगे, यहाँ से आप OH निकाल देंगे, और यहाँ पे R होगा। तो बीच वाले में जो भी अमीनो एसिड है यानी ग्लूटामिक एसिड और एस्पार्टिक एसिड, दोनों का एसिड ग्रुप खत्म हो चुका होगा। तो बचा क्या होगा, लेकिन ध्यान देना जो ग्लूटामिक एसिड होता है और जो एस्पार्टिक एसिड होता है दोनों के R वाले पार्ट में एक एसिड होता है। तो आपको ये चीज़ ध्यान देना है कि ग्लूटामिक एसिड के आर वाले पार्ट में भी एक एसिड ग्रुप होगा, और एस्पार्टिक एसिड के जो आर वाले पार्ट में भी एक एसिड होगा एक्स्ट्रा, क्योंकि ये सब एसिडिक अमीनो एसिड होता है। अब पीएच करोगे 12.5 तो उस केस में क्या होगा, उस केस में नेगेटिव कहाँ कहाँ क्रिएट होगा। तो 12.5 हाईली बेसिक मीडियम है, तो उस केस में क्या होगा, चलो जितना भी एसिड है वहाँ से एच निकल जाएगा, तो एच निकल जाएगा नेगेटिव यहाँ बनेगा, एच निकल जाएगा नेगेटिव यहाँ बनेगा, यहाँ से एच निकाल दोगे नेगेटिव यहाँ बनेगा, और फिनोल सिस्टम का भी एच निकाल के नेगेटिव यहाँ बनेगा। तो टोटल नेगेटिव कितना होगा, चलो तो टोटल नेगेटिव जो होगा वो फोर फॉर्म करने वाला है। ठीक है चलो, तो इस तरह के इंट्रैक्टिव सॉल्यूशन के लिए हमारे साथ जुड़े रहे हैं, मिलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन में।